शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में सड़क पर लगने वाले रविवारी बाइक बाजार पर यातायात विभाग और नगर पालिका के अमले ने सख्ती दिखाई है। यातायात पुलिस कर्मियों ने यातायात में बाधा बन रहे इन ऑटो डील दुकानदारों को सड़क पर वाहन लगाने पर फटकार लगाते हुए चालानी कार्यवाही की है। बाइकों के दस्तावेजी मांगे जो मौके पर डील संचालक नहीं दिखा सके। पुलिस ने बिना दस्तावेज पाए गए वाहनों को अभिरक्षा में लेकर यातायात थाने पर खड़ा कर दिया है। कार्यवाही के दौरान चेतावनी दी गई कि अब यदि सड़क पर वाहन लगाए गए तो वाहन जब्ती की कार्यवाही होगी। थाना प्रभारी के मुताबिक नो पार्किंग में खड़े 10 वाहनों के चालान बनाए गए, 4 वाहनों के दस्तावेज बुलाए गए हैं। कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये सर आज की ऑटो की डील सेंटरों पे जांच की जा रही है, कुछ वाहन भी जब्त किए, क्या कार्रवाई है सर? ये कई बार इनको समझाइश पहले भी दी जा चुकी है और बार बार समझाने के बाद भी जब ये गाड़ी अंदर नहीं रख रहे हैं ऑटो डील वाले, रोड पे इन्होंने पूरी गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं, तो आज फिर डॉक्यूमेंट भी चेक कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ थाने भी भेजी हैं और चालानी कार्रवाई स्पॉट पर भी कर रहे हैं। कितनी दुकानों पर जाँच की सर? अभी 4-5 दुकानों पर जाँच कर ली है। लगभग इस कार्रवाई को देख के कई दुकान वालों ने अपनी गाड़ियाँ हटा ली है, लेकिन भविष्य में भी ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। क्या नाम? मैं सुबेदार दीपेंद्र सोंडकर, थाना प्रभारी यातायात। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।